وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سامعين كال यानी 6 नवंबर 2024 को एक खबर ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली खबर ये थी कि तबलीगी जमात के एक धड़े के अमीरमिन आलम को बंग्लादेश में तबलीगी जमात के किसी भी इज्तम में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी हुआ ये कि 5 नवंबर को बंग्लादेश में सात गांधलवी हफीज़ल के ख़िलाफ़ शुरा वालों की तरफ से ज़बरदस्त एहताजी मुजाहरा हुआ जिसकी क्यादत वहाँ के जमाती उलमा कर रहे थे इस एहतजाज में कुछ तजवीज़ें पास हुईं जिनके मुताबिक सात हाफिज़ अल्लाह तबलीगी जमात के नाम पर अब बांग्लादेश का सफ़र नहीं कर पाएंगे एहतजाज चूँकि बांग्लादेश में था और बंगला ज़ुबान मैं बिल्कुल भी नहीं जानता एक साहब जो बंगला जानते हैं उन्हें एहतजाजी मुजाहरों के वीडियो भेजे और दरखास्त की कि उसका खुलासा पेश करें तो उन्होंने जो कुछ भेजा वही सुना रहा हूँ उन्होंने लिखा पाँच नवंबर दो हज़ार चौबीस को ढाका शहर के मशहूर सुहरवर्दी मैदान में ओलमाए बंग्लादेश का एक आम इजलास मनद हुआ जिसमें तकरीबन साढ़े पाँच से छः लाख का मजमा इकट्ठा हुआ मुल्क की पहली सफके अहल इल्म फजल ने शिरकत की इस इजलास में लिए गए फैसले हसब जैल हैं नंबर एक मौलाना साद अपने फितना को फैलाने के लिए कभी बांग्लादेश नहीं आ सकते नंबर दो टुंगी इज्तम के मैदान में दो इज्तम अहल शुरा के ही होंगे और कोई इज्जा नहीं होगा नंबर तीन बांग्लादेश इजमत की तारीख के किबार और मशाइ तब्ली तय करेंगे हुकूमत को उसकी इत्तला दी जाएगी हुकूमत से इजाजत लेने का जो गलत सिलसिला पिछले चंद सालों चल पड़ा था उसको खत्म कर दिया जाएगा नंबर चार ककराइल मरकज़ में अहले शुरा के ही मातहत काम होगा मौलाना साद साहब के फिर की ककराईल मरकज में कोई नकलो हरकत नहीं होगी ये पाँच नवंबर की कॉन्फ्रेंस में पूरे उलमाए बांग्लादेश ने तजावीज रखी हैं जल्द ही बांग्लादेश की हुकूमत से मुलाकात होगी और उन निकात पर फैसला लिया जाएगा इन शाम काफ़ी सालों से तबलीगी जमात के दो धड़े हो चुके हैं एक धड़ा इमारती कहलाता है जिसकी क्यादत सात कादलवी हफीज़ल करते हैं जबकि दूसरा धड़ा शुराई कहलाता है जिसकी क़ियादत मौलाना इब्राहिम और मौलाना अहमद लाट साहब कर रहे हैं शुराइयों के नज़दीक इमारत वाले बातिल हैं और इमारत वालों के नज़दीक शुरा वाले बातिल हैं इमारत वाले तो शुरा वालों को काफिराना निज़ाम का कालमबरदार मानते हैं और आए दिन ताना जनी करते रहते हैं इन दोनों धड़ों में इस कदर नफरत है कि उनके माकज तक अलग हो चुके हैं और मार धाड़ के वाक़ उन पर मतजाद आगे बढ़ने से पहले ये खबर समात फरमाएँ रोजनामा पाकिस्तान 4 अगस्त 2018 की एशात में लिखता है तबलीगी जमात अपने रायवंड मरकज़ की पैरवी करती है लेकिन अब इस मामले पर तबलीगी जमात बरतानिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है उसका एक धड़ा अब भी रायवंड मरकज़ की पैरवी कर रहा है जबकि दूसरे धड़े ने भारतीय शहर निज़ामुद्दीन के मौलाना साद की पैरवी शुरू कर दी है दी न्यूज़ के मुताबिक तबलीगी जमात बरतानिया में ये इख्तलाफ़ दो हज़ार पंद्रह ईस्वी में शुरू हुआ जब अहम मामलों बशमुल आलमी के एक मशावरती शुरा तश्कील दी गई जो लोग निजामुद्दीन के मौलाना साद की पैरवी करने वाले थे उन्होंने शुरा के फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ मौलाना साद के अहकाम को मानेंगे रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात बरतानिया की इस तकसीम में न सिर्फ जमात के फॉलोवर्स बढ़ गए बल्कि तबलीगी मराकज़ भी तकसीम हो गए हैं बरतानिया में तबलीगी जमात ने अपना मिशन पचास साल कबल शुरू किया था जहाँ उसकी रुकनीत तेज़ी से बढ़ी अब रायवंड मरकज़ के मानने वालों ने बलेग बड़न में नया तबलीगी सेंटर कायम कर लिया है जबकि मौलाना साद ऑफ निज़ामुद्दीन के, के पैरोकारों ने मशरक़ी लंदन और डिस्बरी में अपने अलग मरकज बना लिए हैं दोनों धड़ों में अख्तलाफा इस कदर बढ़ चुके हैं कि कई मौाक़े पर उनमें लड़ाई झगड़े के वाकयात भी देखने को मिले और अरकान ने लंदन मरकज़ में एक दूसरे पर हमला भी किया तबलीगी जमात और पुलिस के जराए का कहना है कि अब तक दोनों धड़ों में लड़ाई होने के बाईस तेरह बार पुलिस बुलाई जा चुकी है और मुख्तल मौक़े पर चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जरा ने बताया है कि बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के अरा पाकिस्तानी व दीगर ममालिकरान के, के खिलाफ मुतहद हो गए हैं और एक मौके पर तो इतनी लड़ाई हुई कि लंदन मरकज़ मैदान जंग बन गया सामीन बंग्लादेश इस मामले में सबसे अलग वाक़ हुआ है तबलीगी जमात वहाँ के हर सुन्नी मुसलमान के रगों पे में समाई हुई है सात हफिज अल्लाह के ख़िलाफ़ दारूम देवबंद के फ़तवे के बाद जमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सात कांलवी हफिज अल्लाह से कट चुका है शुराई और इमारती ग्रूप में वहाँ ऐसी जंग चली थी कि देवबंदियत शर्मसार होकर रह गई सैकड़ों जमाती जख्मी हुए बास तो मर भी गए बांग्लादेशी अखबार आईबीसी उर्दू ने यकुम दिसंबर 2018 के शुमार में लिखा था बांग्लादेश में तबलीगी जमात के अज्तम के दौरान दो ग्रोहों में तस्दम के नतीजे में कम से कम एक शख्स हलाक जबकि 200 के, के करीब लोग जख्मी हो गए हैं ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये लड़ाई तुरंग दरिया के किनारे वाक़ बिसवा इज्तम गाह पर तसलु जमाने के लिए दो ग्रुपों में बर्पा हुई पुलिस के मुताबिक हफ्ते की सुबह गाजियाबाद के टुंगी कस्बे में होने वाले इस तसादम के नतीजे में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त इस्माइल हुसैन के नाम से हुई है और उसकी उम्र सत्तर बरस थी इस्माइल हुसैन का ताल्लुक़ मुंशीगंज से बताया जाता है ओसी इमदादुल हक शेख का कहना है कि यह तसादम मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी और मौलाना ज़ुबैर हसन के हमायतियों के दरमियान कई घंटों तक चलता रहा मुश्तिल लोगों ने इस दौरान इज्तम गाह की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुँचाया इतलात के मुताबिक ये लड़ाई हफ्ते की सुबह आठ बजे उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना साद का के हामी इज्तम गाह में दाखिल हो रहे थे इस दौरान भारतीय तबलीगी जमात के एक और रहनुमा मौलाना ज़ुबैर हसन के हामियों ने पोजीशन संभाल ली और इस तस्दम के दौरान इज्तम गाह का मेन गेट तोड़ दिया गया इजमागाह में चाय बेचने वाले दो अफराद सुहाग और राकब का कहना है कि मौलाना ज़ुबैर के ग्रुप ने 28 नवंबर ही से इज्तम गाह पर कब्जा कर रखा था और 30 नवंबर के दिन उन्होंने इजमा गाह को लोगों के लिए बंद कर दिया था फिर हफ्ते यकम दिसंबर को मौलाना साद के हामी अराकीन की बड़ी तादाद इज्तम गाह के बाहर जमा हो गई और तस्दम का आगाज दोनों जानब से पथराव से हुआ तबलीगी मौलाना मोहम्मद साद के एक हामी ने मीडिया को नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमने तीस नवंबर से चार दिसंबर तक उस इज्तम गाह में जोड़ यानी इज्तम का ऐलान कर रखा था और ये हम हर साल करते हैं जब उस जोड़ में शिरकत के लिए हज़ारों लोग इज्तम गाह में दाखिल होने लगे तो आगे मौलाना जुबैर के हामियों ने पोजिशनें संभाल रखी और वो लाठियों से लैस थे इस तरह तस्दम शुरू हो गया शाम बांग्लादेश में जमाती भाइयों की ये लड़ाई ऐसी थी किमाम का फिक्रमंद होना लाजिम था उस मौके पर हजरत मौना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बांग्लादेश के उलमा को मुसालहत के लिए खत लिखा और तशवीश जाहिर करते हुए इख्लाफा को ख़त्म करने की तलकिन की उसका जवाब देते हुए बांग्लादेश के बड़े बड़े उलमा ने जो कुछ लिखा वो मिनवान पेश खिदमत है बसमिल्लर रहीम गी क़द्र मकरम माज़म शेख अकदस मौलाना मुफ्ती उस्मानी साहब मतज़लूलामैकम वरहत लाला वरका उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बख़ैर व आफियत होंगे जनाब का ग्रामी नाम मौसू हुआ तबलीगी जमात के मौजूदा इख्लाफ इंतशार को खत्म करने के सिलसिले में आ जनाब की फिक्र कोशिश यकीन काबिल कदर व है और आप जैसे आलमी शख्सियत वाकई इसका अहल भी हैं इस इख्तलाफ की वजह से दुनिया के मुखलसन और मिलत का दर्द रखने वाला हर शख्स फिक्रमंद है हकीकत यही है कि ये सब कुछ हमारी ही शामत आमाल के नतज हैं अल्लाह ताला महज अपने पदल गर्म से अफवो दरगदर का मामला फरमाए और मत मुस्लिमा पर गहम फरमा कर हर तरह के फितनों से हिफाजत फरमाए हर तरह के इंतशार व खलपशा को ख़त्म फरमा कर इतिहाद इतफाक़ कायम फरमाए हजरत वाला ने अपने मकतूब गामी में बांग्लादेश में तबलीगी जमात के इतलाफ की संगीनी पर बतौर ख़ास जो तशवीश का इजहार फरमाया है वो हम सब के लिए भी नहायत कलक व तशवीश का बाइस है हम सब की शब रोज़ की दुआएँ और कोशिशें इस वक्त इसी पर लगी हुई हैं कि ये फितना ठंडा हो और अपने काबू के मजमा को हमारी तरफ से हर वक्त यही ताक़ीद है के इतलाफ़ में हदूद तजाव की हरग इजाज़त नहीं जिसका अलहमदल्ला खातिर खां असर हुआ है ताहम जैसा कि आ जनाब को भी अंदाज़ा होगा कि एक मजमा इस सिलसिले में बेहद जज्बाती है ये लोग आए दिन नए नए प्रोपिगंडे और महाद खड़ा करते रहते हैं और फिर अपने हजब मखालब पर झूठा इल्जाम आए करते रहते हैं शुरू ही से उनकी यही हरकत जारी है हालांकि मुल्क के मुतदा व मतमदीमा क़राम उनको मुख्तलिफ तरीके से बड़े खैर खाना अंदाज में समझाने की हर मुमकिन इकदाम और कोशिश की मगर अफसोस कि वो लोग क़राम की पहमाइश को यकसर नज़रअंदाज करकेमा को फरीक मखालब बनाकर मौलाना साज़ साहब की इत पर डट गए टंगी मैदान में गुजत यकम दिसंबर को बेकसूरमा व तलबा पर ऐसा ाल हमला किया जिसकी नज़ीर तारीख़ में मिलना मुश्किल है और फिर अजीब बात यह है कि फिर उलमा तलबा ही पर इज़ाम आयद किया है चंद दिन पहले एक प्रोपेगंडा किया कि किशोरगंज में एक आदमी के जिस्म पर कुछ नामालूम लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया आखिर वह आदमी शहीद हो गया और फिर परी के मुखालब पर इल्ज़ाम आयद करके उसकी खूब तशहर की कि मौलाना जुबैर और उनके लोगों ने ये काम किया हालांकि उसका सबूत न उनके पास है न किसी और के पास है और इस किस्म के नाजेबा व वा शर्मनाक वाक़ में वही पेश पेश है असल अख्तिलाफ़ के सिलसिले में खदमत अकदस में नहायत मज़बाना अर्ज़ है कि आपसी मजाक के बाद अब तक की तहकीक से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जमात के बाद हम जिम्मेदार हजरात के अफकार जिन्हें हम एक अरसे से बहुत गौर से अपने यहाँ के इजमात में होने वाले बयान में सुनते आ रहे थे और नसीहतन लिल्ला उसकी असलाह की कोशिश भी करते आए हैं ये गलत अफकार ही सारे इंतशार खलपशार का सब है और उनका काबिल एतराज़ फिक्री रुख किसी तरह भी ऐसा नहीं है कि उससे मुसालहत की गुंजाइश हो आ जनाब की ख़दमत ही में गुजारिश है कि आप ही फरमाएँ कि जमहूर से टकराते हुए उन ख्याल की इशात पर क्यों कर नकीर न की जाए और किस तरह पूरी उम्मत को बेराह कभी के हवाले कर दिया जाए इस ख्याल ने हमको बेानतहा परेशान कर रखा है कि चंद सालों के बाद जब ये ख्याल पूरी दुनिया में जड़ पकड़ चुके होंगे और आज के मौजूदा अकाबिर अहल इल्म दुनिया से जा चुके होंगे तब उम्मत का क्या होगा इन अफकार के मनफी नतज का हम अपने मुल्क में खुली आँखों से मुशाह कर रहे हैं खासकर मौलवी मोहम्मद साज साहिब जमहूर उम्मत की राह से शरीय शदूद इख्तियार कर चुके हैं और उनके इसतलाल के अंदाज से ऐसा लगने लगा है कि वो शायद अपने आप को मुश्तद के दर्जे पर फायद समझते हैं तबलीगी जमात से वाबस्त कम इम आवाम को उन्होंने अपने बादतिल नज़रियात में उलझा कर रख दिया है ये उनका एक खास नज़रिया बन चुका है जिसको चलाने पर वो बहुत जोर डालते हैं वो सहब कराम की सरत के हवाले से माजी के असलाफ और मौजूदा अकबिल पर तनकीदें उलमा और के एक बड़े तबके की निगाह में वो बेअबार बन चुके हैं और वक्तन फवक्तन ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिनसे वक्त के महतमद कराम असाब और औरजरत मशाइ का अतमाद सख्त मुतासर हो रहा है अभी इकतीस मई दो हज़ार उन्नीस बरोज़ जुमाशा के बाद हयातबा की तालीम में मौसुफ ने यह बयान जारी किया है मोबाइल पर कुरान पढ़ने और सुनने के बारे में जवास के फतवे तो सुबहानल्ला जो चाहे करो बजाय इसके कि कितबाही सुन्नत पर उम्मत को लाया जाए और सुन्नत के तरीके उम्मत को तालीम दिए जाएँ हर चीज़ को जायज़ कहकर आज़ाद हो गए हजरत उमर रज फरमाया करते थे कि जो लोग अपनी राय पर चलेंगे वो लोग सुन्नतों के दुश्मन होंगे हजरत वाला ही फरमाएँ आदाव सुनन की चोट किस पर पड़ रही है नग अवा के मजमा में हर चीज़ को जायज़ कह कर आज़ाद होने का ताना हमारे अहले इफ्ता के अलावा और किसको दागदार कर रहा है हमको अब इसमें जरा भी शक नहीं कि मौलवी मोहम्मद साज साहेब दानिशता या नादानिस्ता तबलीगी जमात को सिर्फ अपने नजरियात की तरवीज देने के लिए तख्त मश्क बना रहे हैं और हद ये है कि वो इतात पर बैत ले रहे हैं बैत के सिलसिले में वो ये फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सिर्फ तीन हजरत हजरत मजदलानी हजरत माना इलियास साहेब और हजरत मौना यूसुफ़ साहेब की बैत सुन्नत के मुआफ़ है वरना सभी नाकिस यानी सुन्नत के ख़िलाफ़ है आपके यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन हमारे मुल्क में और बहुत से ममालिक में एक बड़ा सादा लौ तबका बैयत के बाद उनकी अंधी अकीदत और इतवा करने ही को फ़र्ज का दर्जा समझ रहा है और इस सिलसिले में कोई भी पैमाइश न सिर्फ बेअसर मालूम हो रही है बल्कि उसके अंदर बेहद इश्ताल पैदा कर देती है ऐसा लगता है कि ये तबका अब एक फ्रे की सूरत अख्तियार कर चुका है बिना बड़ी हम उनकी फिक्री बेरही से अपने आवाम को जो शर्यी नज़ाकतों से नावाकिफ होते हैं साफ लफ्ज़ों में आगाह करना और उनसे अलाहदा रहने की ताकीद करना शरयी पीजा समझते हैं और फिक्री इनहराफ की असलाह के बगैर उनकी हमनवाई को दीन के लिए सख्त नुकसानदेह समझते हैं हम उलमा ने मुतफ़ा तौर पर यह तय किया है कि अपनी आवाम को उनका तख़्त मश्क न बनने दिया जाए और अपने मुल्क में उनकी गलत बातों की तरवीज पर कदगल लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए चुनाचे हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौसू के हमारे मुल्क में आने पर पाबंदी लगाई जाए कि हम अपने आवाम को किसी सूरत में उनके हवाले नहीं कर सकते इस सिलसिले में बिल्कुल वाद मौक इख्तियार ही का ये नतीजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात से मुतल एक बड़ा तबका और आम मुसलमानों का तकरीबन सारा तबका उन अफकार की खतरनाकियों से आगाह होकर उनसे महफूज रह सका अब मसाइल सिर्फ उन तबका की तरफ से दरपेश हैं जो उनकी एताज़ से आलाहदगी इख्तियार करने वालों को बागी शुमार करता है और हर तरह का तशद रवा रखना अपना फ़र्ज मनसबी समझता है खुद आ मौसू के बयान में जो इश्त अंगेज इशारे होते हैं उसका ये लाजमी असर भी है सिर्फ एक अकतबास खदमत अकदस में बग़र्ज मुलाहजा पेश है मैं बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ कर रहा कि हमारे यहाँ अपने लिए कोई मुतालबा नहीं है हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए क्योंकि जो लोग मुतालबा करते थे वो ईमान वाले नहीं कहलाते थे सुनो ग़ौर से कि अपने लिए मुतालबा करते हैं एक आदमी था आमिर अबिन तुफैल उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि पहला मेरा मुतालबा ये है पहला मेरा मुतालबा ये है कि आप मुझे नबूवत में अपने साथ शरीक करें हाँ ये नबूवत और ये मकाम आपके पास क्यों है अगर आप उसको मान जाते हैं तो फिर हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है हम मिलजुल कर दोनों काम करेंगे और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर आप ये लिख कर दे दीजिए कि जब आप मरेंगे दुनिया से जाएंगे हाँ रिवायत में देखो तो मैं आपकी जगह खलीफा रहूँगा या शराकत या खिलाफत अजीब बात है आपने फरमाया ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा नबूत अल्लाह की तरफ से मिलती है जिसको मिलती है ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो उसने तीसरी बात रखी ये बहुत गौर से सुनने की है कि चलो तो ऐसा काम करें कि हमारा भी काम चले और आपका भी काम चले इलाके तकसीम करो हाँ देखो रिवायत इलाके तकसीम करो आप देहात का इलाक़ा ले लो मुझे शहर का इलाका दे दो आपका काम अलग हो मेरा काम अलग हो हाँ जी आपके आदमी मेरे यहाँ दखल नहीं देंगे मेरे आदमी आपके यहाँ दखल नहीं देंगे तो अलग अलग होकर काम करें फरमाया ये भी नहीं होगा इलाकों की तकसीम भी नहीं होगी तो उसने कहा कि फिर इस बात को आप मान लीजिए कि मैं हजारों घोड़े लेकर और घोड़सवार लेकर आपसे मुकाबला करूँगा फरमाया हाँ ये कर लो ये कर लो रिवायत में है कि आमिर इब्न तुफैल वहाँ से उठा आप अलैहि वसल्लम के पास से मुशरक था वहाँ से उठा और एक अंसारी औरत के घर चला गया वहाँ जाकर लेटा ही था कि उसके बदन में एक ताउन का फोड़ा निकला और इतना बड़ा फोड़ा था कि वो उसको देख कर कहता था गुद्दतुन का गुद्दतिल बिक्र ये तो ऐसा फोड़ा है जैसे किसी जवान ऊँट का निकलता है उसी में वो ख़त्म हो गया तो मैंने अर्ज़ किया कि यह काम मुशीन का होता था कि वो नबूवत के मकाम को इताद पर आने के वो शराकत भी चाहते थे और नबूवत के ताज को छीनना भी चाहते थे हसद करते थे हालांकि नबी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन आपसे उहदे और मकाम से हसद करते थे इसलिए हमने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ एहतियाज है एहताज नहीं है मुतालबा नहीं है जब मुतालबे होंगे तो दूरियाँ होंगी बयान बतारीख़ उनतीस दस दो हज़ार अठारह बाद नमाज मगरब तो क्या अब कोई ईमान वाला अगर कुछ मुतालबा करें तो वो ईमान वाला नहीं कहलाएँगे बांग्लादेश के टंगी मैदान के वाक़े को हम इसी तरह के बयान का नतीजा समझते हैं अगर इख्तलाफ हो भी गया था और इतिहाद इतफाक़ की कोई सूरत मुमकिन नहीं थी तो कम अज़ कम अपने माता तबके को मुस्लिम के असूल के तहत काम करने की ताकद किया थी लेकिन अफसोस अफसोसद अफसोस कि एक सरबराह अपने सदल और मतबीन को ऐसे वाक्यात सुनाकर किस बात पर आमदा कर रहा है और फितना अंगेजी के इस तूफान में आवाम बेचारों का क्या कसूर है और इस तरह की जहनीत की हामिल शख्सियत के सामने मुसालहत की मुखलसाना कोशिशें किस हद तक नतीजा खेज हो सकती हैं इस बिना पर इस जमात के तहफ़ और उम्म मुसलिम के हक में उसके एतमाद को बाकी रखने के लिए यही सूरत मुनासिब मालूम हुई कि हम अपने मुल्क में उन अफराद की भरपूर तइद करें जो उलमा की रहबरी में हदूद की पूरी रियायत के साथ अकाबले तबलीग के बेगुबार तर्ज को मजबूती से थामे हुए हैं और दूसरों को भी उसकी दावत देते हैं और इख्तलाफ में हदूद के पाबंद हैं हजरत वाला के इल्म में ये बात लाना भी जरूरी समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो इश्तालेज़ और मुखासमत के वाकयात रनुमा हुए हैं उनमें से बेशतर मौलवी मोहम्मद साद साहब के मुतबयीन की तरफ से पेश आए हैं जो बजाम खुद अपने को इताती तबका से ताबीर करते हैं जबकि दूसरे फरीकने मजलूम और अक्सरियत में होने के बावजूद कोई इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय सब्र जब्त काम लेते रहे टंगी मैदान में जो वाक्य रनुमा हुआ उसके आनी शाहिदीन मौजूद हैं जिसकी तफसीलत पूरे सबूत शवाहिद के साथ पेश की जा चुकी हैं जिसकी काफी मुनसलिक है अखीर में अर्जगुजार हैं मजबूर पहलुओं को मलहूज रखते हुए मसालाहत की हर मुमकिन कोशिश में हम आजनाब के साथ हैं और दस्त बदवा हैं कि इस सिलसिले की मुखलिसान कोशिशों का कोई मुसबत नतीजा जल्द उम्मत मरहूम के दर्द का मुदावा बन सके वमाजा अली का अजीज फकत वसलम हजरत माना अहमद शफी साहब हजरत माना अशरफ अली साहब हजरत माना नूर हुसैन कासमी हजरत माना अनवर शाह साहब, हजरत माना मुफ्ती वकास साहब, हजरत माना जुनेद बाबू नगरी हजरत माना रहमान साहब, हजरत माना अनस मदनी साहब, हजरत माना कुद्दूस साहब, हजरत माना मुफ्ती फैज़ुल्लाह साहब हज़रत मौलाना अब्दुल्कदूस साहिब हजरत मौाना महबूबालहक हाँ साहिब हजरत मौाना अमीन साहब, हजरत मौाना शेख अहमद साहब हजरत मौाना मुफ्ती रहमान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अर्शद रहमानी साहेब हजरत मौलाना मुफ्ती रूहुल अमीन साहब। साम साद कादलबी हफीज़ा के ख़िलाफ़ शुग्री ग्रुप की ताज़ा तजावीज़ क्या रंग लाती हैं कहना मुश्किल है अभी इस ग्रुप को हुकूमत तक जाना है अगर हुकूमत इन तजावीज को मंजूर कर लेती है तब तो सात कादलवी हफीजल्ला का दाखला बांग्लादेश में नहीं हो सकेगा मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकेगा अल्लाह से दुआ है कि इन इख्तलाफात को दूर फरमाए और दोनों फरीक को सियात मुस्तकीम पर चलाए व आखिर हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन